सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर आई हूँ आपके पास। देखिए, मैं आज जा रही थी पार्क, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे आप लोग मेरे दिल की बात समझ जाओ और आप लोग भी ऐसा फील करते होंगे कि जैसे कभी हम ऐसा होता है ना कि मंदिर जा रहे हैं और शिव जी भगवान के मंदिर गए और मैंने ये देखा है कि कई सारी औरतें किसी का पूरा मतलब हज़ार के हज़ार फूल चढ़ा रही हैं और कोई है जो एक ही फूल चढ़ा रहा है। तो क्या भगवान हज़ार फूल वाले को ज़्यादा वैल्यू देंगे और एक फूल वाले को बिल्कुल वैल्यू नहीं देंगे, या फिर ऐसा होगा कि भगवान सोचेंगे कि इसने मेरे लिए हज़ार फूल चढ़ाए हैं तो इसको मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ज़्यादा फूल चढ़ाएंगे तो फिर भगवान ज़्यादा खुश होंगे। हाँ, हम खुद खुश हो जाते हैं क्योंकि हम इंसानों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा करने से ज़्यादा मिलता है, पर भगवान के लिए सब इक्वल है। और मैंने ये भी देखा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान को प्रसन्न करना है तो आप दो फूल भी चढ़ा सकते हो बजाय इसके कि पूरी बगिया आप चढ़ा दो भगवान के, क्योंकि वो आपकी मन की सोच है। भगवान इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर है, वो यूनिवर्स है, जिसे आप यूनिवर्स बोलते हो वो भगवान है। आप उनके नाखून की उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। और मैंने बहुत बार जब मैं जाती हूँ मंदिर तो मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ औरतें होती हैं या कुछ आदमी होते हैं जो भगवान के एकदम चिपक के बैठे रहते हैं, जिससे दूसरा इंसान भगवान के पानी नहीं चढ़ा पाता। देखिए, आपको मंत्र करना है, जो भी करना है, वो एक अच्छी चीज़ है, एनचैंटिंग करनी चाहिए, बट हम भगवान को दूर से भी अगर हम एनचैंटिंग करें, अगर मैं 50 करोड़ अरब मील दूर से भी भगवान को याद कर रही हूँ तो मेरी वॉइस उतनी जा रही है जितना कोई भगवान के पास है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें ऐसा शिव जी भगवान के सामने हमें ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि शिव जी भगवान हमारे सामने हैं या कोई भी भगवान हमारे सामने हैं, लेकिन आप औरों को भी मौका दीजिए कि वो पानी चढ़ा पाए। आप किसी और का रास्ता रोक के अगर ऐसा सोचते हो कि सिर्फ आपकी पूजन ही सफल हो और इंसान जो पानी चढ़ा रहा है आप उनको रोक रहे हो, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि आप कैसा दूसरों के साथ बिहेव कर रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेरी बातों से अगर आप रिलेट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और इसके बाद कोई एक पॉजिटिव चेंज लाओ कि भगवान आपके विचारों को सुनते हैं, ना कि आपके आडंबरों को देखते हैं। भगवान को अगर आपको प्यार करना है तो आप दूसरों के लिए ये मत करो कि आपकी पूजन सफल हो और दूसरे को पूजन आप करने ना दो, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। वैसे ऐसे कहा गया है कि हर जर्रे जर्रे में भगवान है, हर हर एक कण में भगवान है, तो भगवान को अगर आप चाहोगे तो अभी भी अगर आप आंखें बंद करो तो भगवान आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर है, जिसको आप रोक रहे हो या जिससे आप बातें मतलब जिसकी बुराई कर रहे हो उसमें भी भगवान है। तो भगवान को पहचानो, सबसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान हर इंसान के अंदर है, बस पहचानने की देरी है। धन्यवाद। अब मैं विदा लेती हूँ इसी बात के साथ। आशा करती हूँ कि आप ये सब बातें जो मैंने बताई हैं उन बातों पे गौर करेंगे।